इस लेक्चर में हम अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल और आपका कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और बजट का थोड़ा सा प्रोसेस जानेंगे कि क्या होता है। देखो अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जब बजट पास होता है तो पहले प्रेजेंट होता है, बजट को पेश करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, फिर डिस्कशन होता है उस पर। डिस्कशन होने के बाद, जैसे डिस्कशन हो गया जी, उसके बाद फिर लाया जाता है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का मतलब है जी, हर एक मिनिस्ट्री अपनी डिमांड रखते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना डिमांड है हमारी, इतना पैसा खर्च हो सकता है। फिर उनकी डिपार्टमेंटल कमेटी होती है, वो डिस्कस करती हैं। उसके बाद लाया जाता है अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है तभी गवर्नमेंट कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकाल सकती है खर्च करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए। उसके बाद फाइनेंस बिल लाया जाता है। फाइनेंस बिल के बाद बजट पास हो जाता है। तो ये अप्रोप्रिएशन बिल क्या है सारा डिटेल में पढ़ेंगे जी पहले, फिर उसके बाद फाइनेंशियल बिल, फिर उसके बाद में कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अप्रोप्रिएशन बिल से। रिसेंटली क्या हुआ, लोकसभा ने अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया और सेंट्रल गवर्नमेंट अब क्या विदड्रॉ कर सकती है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से फंड निकाल सकती है, पैसा निकाल सकती है। ये कैसा फंड है जी, जिसमें से गवर्नमेंट को जो भी खर्चा करना होता है ना, यहाँ से निकालती है। और भी दो फंड है, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे थोड़ा हम। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, गवर्नमेंट को पावर दे देती है कि भाई आप निकाल लो पैसा आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, और जो भी फाइनेंशियल ईयर का जो भी एक्सपेंडिचर है उस पर आप खर्च करो। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है उसे फाइनेंशियल ईयर। इसके लिए आर्टिकल दिया हुआ है जी, आर्टिकल 114 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है, गवर्नमेंट कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ओनली आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट अपनी सहमति देगी, पार्लियामेंट का मतलब है जी लोकसभा, राज्यसभा और प्राइम प्रेसिडेंट, मतलब तब पार्लियामेंट अपनी अप्रूवल दे देगी, तभी गवर्नमेंट क्या है वो पैसा निकाल सकती है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में तो आप फर्क समझते हो ना, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव हो गया जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई PM, ये गवर्नमेंट है जी, और पार्लियामेंट में सारे मेंबर हैं जी, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो जब पार्लियामेंट अप्रूवल दे देगी तभी आप पैसा निकाल सकते हो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में से। अब अमाउंट जो भी विदड्रॉन होता है, फिर करंट एक्सपेंडिचर मतलब जो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर होता है जी, जो फाइनेंशियल ईयर में, फिर सारा खर्चा उसमें से करते हैं जी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, जितना पैसा निकालते हैं। अब प्रोसीजर क्या क्या होता है जी अप्रोप्रिएशन बिल का, ये पढ़ते हैं। पहले अप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है जी लोकसभा में, आफ्टर द डिस्कशन ऑन बजट प्रपोजल एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। देखो जी, जब बजट अभी देखा था हमने, बजट प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद वो डिस्कस किया जाता है, उस पर विचार मतलब अपनी चर्चा की जाती है डिस्कशन, उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स लाया जाता है वोटिंग के लिए। ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, मतलब लोकसभा को ही वोटिंग करने का अधिकार है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, राज्यसभा वोट नहीं करती है इसमें। ये क्या होता है, जो भी मंत्रालय होता है ना मिनिस्ट्री, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए जी, होम मिनिस्टर, रक्षा मिनिस्टर हो गए जी, रक्षा मंत्री हो गए, डिफेंस मिनिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब जितनी भी मिनिस्ट्री को इनके 1 साल की जितनी भी डिमांड है पैसे की, ये डिमांड रखते हैं, तो इस पर वोटिंग होती है। इसके बाद अप्रोप्रिएशन लाया जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल अगर डिफीट हो जाता है ना पार्लियामेंट्री वोट में, मतलब अगर मान लो अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ किसमें, यहाँ पे पार्लियामेंट में, तो क्या होगा समझा जाएगा, गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और जनरल इलेक्शन होंगे। देखो जी, अप्रोप्रिएशन बिल ला रहे हो यानी कि आप बजट पेश कर रहे हो, अप्रोप्रिएशन बिल पास कराना है, अगर आप पास ही नहीं कराए तो इसका मतलब आपके पास लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है। अब लोकसभा में जब आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो आप गवर्नमेंट क्यों बनाए बैठे हो, क्योंकि सरकार बनाने के लिए तो मेजोरिटी चाहिए ना, 50% से ज़्यादा मेंबर चाहिए, और जब आपके पास 50% से ज़्यादा मेंबर नहीं है, आप पास नहीं करा पाए, अब आप रिजाइन दो, इस्तीफा दो, निकलो यहाँ से, फिर डायरेक्ट जनरल इलेक्शन होंगे जी, लोकसभा के इलेक्शन दोबारा होंगे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कभी पूरे इंडिया में, तब तक 1947 से अब तक जब से देश आज़ाद हुआ अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अप्रोप्रिएशन बिल पास ना हुआ हो, हर बार पास होता है जी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी होती है तभी तो ये लेके आती है, पेश करती है बजट वगैरह। तो वंस इट पास्ड बाय लोकसभा, इट इज सेंट टू राज्यसभा। जब लोकसभा से पास हो जाता है अप्रोप्रिएशन बिल, फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के क्या पास क्या क्या पावर है वो देखते हैं अप्रोप्रिएशन बिल के रिगार्डिंग। जैसे ही आ गया जी राज्यसभा के पास, राज्यसभा क्या है, बिल को चर्चा करती है, डिस्कशन, फिर ये रिकमेंड करती है जी लोकसभा को। अब लोकसभा के पास प्रेरोगेटिव है जी, हाँ प्रेरोगेटिव का मतलब है स्पेशल राइट है, मतलब क्या है स्पेशल राइट है जी, विशेष अधिकार है लोकसभा के पास कि जो रिकमेंडेशन सिफारिश किए हैं राज्यसभा ने उनको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। मतलब राज्यसभा की बात मान भी सकती है नहीं मान सकती, लोकसभा पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि राज्यसभा से कह दे कि भाई साहब हमें आपकी बात पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी आपकी बात कोई तुक वाली नहीं है, जाओ यहाँ से, हम नहीं मानते। तो ये लोकसभा के पास प्रेरोगेटिव है, तो वो माने ना माने उसकी रिकमेंडेशन को, जो भी उसने अमेंडमेंट करने को कहा है अप्रोप्रिएशन बिल में। तो इसके बाद क्या, अप्रोप्रिएशन बिल
प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट उसे असेंट दे देते हैं, अपनी सहमति लगा दे देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं, साइन कर देते हैं, अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है बिल के पास। सब बात मतलब पहले तो बिल ही है ना जी, बिल बिल है जो आपका, तो बिल के पास ही तो विधेयक है, विधेयक बोलते हैं हिंदी में। बिल के बाद जब एक्ट बन जाता है, जब बोलते हैं इसे अधिनियम, मतलब कानून बन गया। अब क्या है, गवर्नमेंट क्या है, ये पैसे निकाल सकती है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। एक फंड बना हुआ है जी, एक जैसे तिजोरी रखते थे ना आप घर में, ऐसे ही कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जिसमें पैसा रखा होता है गवर्नमेंट का, मतलब सारे देश का, उसमें से पैसा निकालती है, खर्च करती है पूरे ईयर, तो अब निकाल सकती है। लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल का एक यूनिक फीचर है, एक विशेष विशेषता जी, एक इसकी यूनिक क्या है, ये ऑटोमेटिकली रिपील क्लाउज होता है इसमें। मतलब मान लो जैसे ही ये होता है अप्रोप्रिएशन बिल, जैसे ही इसकी जो एक्ट बन जाता है, और जैसे ही इसका जो पर्पज होता है फुलफिल हो जाता है, अपने आप ही रिपील हो जाता है। रिपील का मतलब है जी, मतलब एलिमिनेट, अपने आप खत्म हो जाना, कैंसिल, रद्द हो जाता है अप्रोप्रिएशन बिल, सिर्फ उसी साल के लिए होता है, समझ गए, अपने आप ये अपने आप रिपील हो जाएगा जब भी पर्पज फुलफिल हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, जब तक क्या है, ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से मनी नहीं विदड्रॉ कर सकती, निकाल सकती, जब तक कि अप्रोप्रिएशन बिल इनेक्ट ना हो जाए। लेकिन अगर अप्रोप्रिएशन बिल इनेक्ट होने में टाइम लगेगा जी, क्योंकि बजट पेश किया जाता है फरवरी में, और बिल, ये अप्रोप्रिएशन बिल पास हो सकते 1-2 महीने तक लग सकते हैं। तो ये 1-2 महीने के लिए पैसा कहाँ से आए, कहाँ से कैपिटल आए जी, फंड कहाँ से आए, इसमें भी तो गवर्नमेंट को खर्चा चलाना होता है। कहाँ से, मतलब फरवरी से लेके मार्च तक भी तो ये चलाना होता है ना खर्चा, ये खर्चा कहाँ से लेके आएगी गवर्नमेंट, ये लेके आएगी जी। इसके लिए एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मनी निकालेगी जी लोकसभा की, के लोकसभा ही उसे ऑथराइज करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। लोकसभा उसे जब ये उस फाइनेंशियल ईयर से पहले 2 महीने के लिए लगभग पैसा देती है, उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। मतलब जब 2 महीने के लिए, फरवरी से मार्च के लिए पैसा निकालती है अप्रोप्रिएशन बिल पास होने से पहले, तो वोट ऑन अकाउंट पास करती है जी कौन, लोकसभा, इसे वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। अब ये वोट ऑन अकाउंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है जी, उसका जवाब है यस बिल्कुल है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 116 में दी हुई है प्रोविज़न के, क्या है, इज़ ए ग्रांट इन एडवांस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। मतलब शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर यानी कि 1.5-2 महीने के लिए उसे फुलफिल करने के लिए जो भी खर्चा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसके लिए ग्रांट देती है जो लोकसभा, ताकि गवर्नमेंट ये 2 महीने के लिए, तब तक क्या है अप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो जाए, तब तक क्या है, तब तक खर्चा चला सके, उसे बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। इसकी ज़रूरत क्या जी, देखो जब मान लो अलग, अगर मान लो इलेक्शन ईयर है, जैसे मान लो अभी 2019 में इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पे जब अप्रोप्रिएशन बिल पास होने से पहले वोट ऑन अकाउंट आया था, तब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होता है, या तो वो इंट्रिम बजट पास कर दे, या फिर वोट ऑन अकाउंट। ये क्या होता है, जैसे वोट ऑन अकाउंट को ही इलेक्शन ईयर में, ये मान लो इंट्रिम बजट बोलते हैं, इंट्रिम बजट, ये इंट्रिम बजट बोलते हैं, मतलब इंट्रिम का मतलब है टेम्प्रेरी, टेम्प्रेरी बजट। ये क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट इलेक्शन ईयर हो रहा होता है तो इंट्रिम बजट भी पास कर सकती है। वो ऐसा है, मान लो जब गवर्नमेंट ने पास किया और इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद कोई दूसरी गवर्नमेंट बन गई, तो वो परमानेंट बजट लाएगी, तो तब तक के लिए बस इंट्रिम बजट पास कर देते हैं। तो वोट ऑन अकाउंट को ही इलेक्शन ईयर में इंट्रिम बजट भी बोला जाता है, समझ गए। तो जो भी टेम्परेरी पीरियड के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में से निकाल सकती है, जब इंटरिम बजट पास हो जाए, मतलब लोकसभा अनुमति दे दे। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें अमेंडमेंट हो सकता है क्या, एक बार मान लो अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया, फिर उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, उसका जवाब है नो, नो अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज टू एन अप्रोप्रिएशन बिल विच विल हैव द इफेक्ट ऑफ वेयरिंग अबाउट। एक बार मान लो आपने पास कर दिया अप्रोप्रिएशन बिल, क्या आपने लिया कि इतना एक्सपेंडिचर करना हमें साल में, गवर्नमेंट ने कहा, और इतने एक्सपेंडिचर के लिए इतना पैसा निकालना है, और इतने ये प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा अलोकेट हुआ है, तो भैया उस प्रोजेक्ट के लिए आप खर्च करो, वही पैसा करो, अब इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, एक बार पास हो गए तो पास हो गया, अब जाओ आप, अब दोबारा इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, जितना एक्सपेंडिचर आपको चार्ज करना है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से चार्ज करो। तो ये लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं जी, इसका डिसीजन वो करते हैं कि वेदर सच एन अमेंडमेंट इज एडमिसिबल एज इज ए फाइनल, मतलब वो स्पीकर के पास ये चॉइस होती है। वैसे तो कोई अमेंडमेंट किया नहीं जा सकता, स्पीकर के पास जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं कि ये जो अमेंडमेंट आप कह रहे हो ये एडमिसिबल है नहीं है, वो फाइनल डिसीजन कौन लेते हैं, स्पीकर लेते हैं अध्यक्ष। लेकिन जनरली पूछा जाए कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अब स्कोप क्या जी डिस्कशन का, इसमें क्या डिस्कशन कर सकते हैं, इसमें अप्रोप्रिएशन बिल में क्या क्या डिस्कस किया जा सकता है, कौन कौन सी चर्चा होती है। देखो जी, कोई भी पब्लिक इंपोर्टेंस का टॉपिक है, मैटर है, जो मैटर पब्लिक इंपोर्टेंस है, मतलब जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, इन्वॉल्व है, तो वो इसमें डिस्कस कर सकते हैं। लोगों के बारे में मतलब कुछ भी, कहाँ पे स्कीम योजना चलानी है, कुछ भी डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन वो डिस्कस नहीं कर सकते विच हैव नॉट ऑलरेडी बीन
रेज्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। देखो जी, जब डिमांड्स फॉर ग्रांट इससे पहले लाई जाती है लोकसभा में, वोटिंग होती है, जो उस पर डिस्कस हो चुका है वो तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो नहीं हुआ है वो डिस्कस कर सकते हैं। विच हैव नॉट बीन ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, मतलब जो इससे पहले डिस्कस नहीं हो चुका, अगर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में पहले डिस्कस कर चुके हैं तो वो हम डिस्कस नहीं कर सकते दोबारा, समझ गए। तो स्पीकर क्या है, पूछेंगे, जो भी मान लो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डिस्कस करना चाहता है, उससे पूछेंगे, हाँ भाई साहब बताओ आप क्या डिस्कस करना चाहते हो, तो स्पीकर के पास पावर है जी। अगर वो पहली डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में डिस्कस हो चुका है तो उसे स्पीकर मना कर देंगे कि भाई साहब आप कहाँ थे जब डिमांड फॉर ग्रांट्स पे डिस्कस किया जा रहा था, ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और ये एमपी कहेगा मैं तो जी छुट्टी पे था, तो स्पीकर कहेंगे छुट्टी पे था तो ये हमारी गलती है, जाओ यहाँ से, ये डिस्कस नहीं होता, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये तो एक मजाक की बात है जी, बात ये है, आप ऐसा समझो कि अगर जो पहले डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे डिस्कस हो चुका है, चर्चा हो चुकी है, वो टॉपिक दोबारा डिस्कस नहीं होगा अप्रोप्रिएशन बिल पे। अब ये जी अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस है जी, ये फाइनेंस बिल होता है जी जो, वो उसमें क्या प्रोविजन होती है, फाइनेंसिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा होता है ना उसको फाइनेंस करने के लिए, पैसा देने के लिए, इसमें कंटेंट होती है प्रोविजन फाइनेंस बिल में। और जब फाइनेंस बिल पास हो जाता है तो समझ लो बजट पास हो गया। इसके बाद इससे पहले जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है ना वो क्या करता है, इसमें क्वांटम और पर्पज होता है विद्रोइंग द मनी, मतलब मनी किस लिए निकाल रहे हो आप और कितनी क्वांटिटी में निकाल रहे हो, ये इसमें लिखा होता है अप्रोप्रिएशन बिल में, समझ गए। तो इनमें ये डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों ही मनी बिल होते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल, ये दोनों ही मनी बिल क्लासीफाई किए जाते हैं, जो क्या है राज्यसभा की कंसेंट जरूरी नहीं होती है, राज्यसभा केवल डिस्कस कर सकती है इस पर, कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती, संशोधन वो लोकसभा के, इनके पास पावर होती है लोकसभा माने ना माने दोनों के। अब फाइनेंस बिल पढ़ते हैं जी डिटेल में, फाइनेंस बिल होता क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है जी, इसमें क्या होता है, जिस फिस्कल मैटर के रिगार्डिंग प्रोविजन होती है, फिस्कल मैटर का मतलब है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, रेवेन्यू का मतलब जो भी प्रॉफिट, जो भी मान लो गवर्नमेंट के पास आ जाए पैसा, समझ गए, और एक्सपेंडिचर का मतलब है जी जो भी खर्चा करना चाहती है गवर्नमेंट साल में, तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है फाइनेंस बिल में। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दी हुई है जी, फाइनेंशियल बिल यूज किया है टेक्निकल सेंस में, फाइनेंशियल बिल थ्री काइंड के होते हैं जी, थ्री टाइप्स के होते हैं, तीन तरह के, कौन कौन से होते हैं जी, तीन प्रकार ये होते हैं जी, मनी बिल आर्टिकल 110 में, इसको भी फाइनेंशियल बिल बोला जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ ऑल मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल, समझ गए, फाइनेंशियल बिल टाइप वन, फाइनेंशियल बिल टाइप टू, ये आर्टिकल 117 क्लाउज वन में और 117 क्लाउज थ्री में आते हैं ये। तो फाइनेंशियल बिल कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, मनी बिल को भी फाइनेंशियल बिल बोला जा सकता है, और मेन जो है मेजर फाइनेंशियल के वो टाइप वन और टाइप टू हैं, जो आर्टिकल 117 क्लाउज वन और क्लाउज थ्री में हैं मेंशन। अब जो इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसका मतलब जितने भी ये लिखा है जी, ऑल मनी बिल होते हैं वो फाइनेंशियल बिल होते हैं, जितने भी मनी बिल होते हैं उन्हें फाइनेंशियल बिल बोला जा सकता है, लेकिन ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल को मनी बिल नहीं बोला जा सकता, क्यों, क्योंकि मनी बिल केवल उन्हीं को बोला जा सकता है जिनमें एक्सक्लूसिवली मैटर्स हों जो आर्टिकल 110 में, मतलब 110 नंबर अनुच्छेद में जो भी मान लो मेंशन है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन है किस बिल में तो उसको मनी बिल बोला जा सकता है, लेकिन उसके अलावा मान लो आर्टिकल 110 की भी क्लाउज है, आर्टिकल 117 की है, फिर मनी बिल नहीं है, फिर वो फाइनेंशियल बिल हो जाएगा। मनी बिल तभी है जब एक्सक्लूसिवली 110 में जो है, मतलब 110 में 110 में जो मैटर है प्रोविजन है वो है सिर्फ मेंशन, तो वो अगर ज़्यादा मेंशन है तो फाइनेंशियल बिल हो जाएगा जी, वो फिर मनी बिल नहीं होगा। तो इसका मतलब यही हुआ ऑल फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल कह सकते हैं, बट और मतलब ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। अब जो ये होते हैं जी, इनमें क्या है, स्पीकर सर्टिफाई करता है कि मनी बिल है या नहीं है, लेकिन जो फाइनेंशियल बिल टाइप वन टाइप टू होते हैं जी, ये आर्टिकल 117 से डील करते हैं, जो एक एक करके हम पढ़ेंगे जी, पहले पढ़ेंगे टाइप वन फाइनेंशियल बिल टाइप वन। इसमें क्या होता है, इसमें जी ये बिल होता है, इसमें प्रोविजन कंटेंट होती है आर्टिकल 110 की भी हो सकती हैं, या फिर मैटर हो सकते हैं जी और भी जनरल लेजिस्लेशन से, या आर्टिकल 110 में, 117 में, 110 में। ये बिल में क्या होती है, बोरोइंग क्लाउज कंटेंट हो सकती हैं जी, बट डज नॉट एक्सक्लूसिवली डील विद बोरोइंग, मतलब जो बोरोइंग से डील नहीं करती एक्सक्लूसिवली, लेकिन कुछ उधार से रिलेटेड कुछ प्रोविजन हो सकती हैं। और टाइप वन जो बिल होता है फाइनेंशियल बिल, ये दो कंडीशन में मनी बिल के सिमिलर होता है, मतलब समान होता है। कौन सी दो कंडीशन है जी, एक तो पहला ये, चाहे फाइनेंशियल बिल टाइप वन हो या मनी बिल, दोनों को ही इंट्रोड्यूस केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा, राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इंट्रोड्यूस का मतलब भी, जब मनी बिल और फाइनेंशियल टाइप वन बिल लाए जाएंगे तो लोकसभा में सबसे पहले पेश किए जाएंगे, राज्यसभा में नहीं लेके आया जा सकता, पहले लोकसभा में पास होंगे फिर राज्यसभा के पास भेजा जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या है जी, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल दोनों ही इंट्रोड्यूस किया जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजिडेंट,
मतलब पहले प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन करेंगे जी, सिफारिश देंगे, तब जाके वो पेश किया जाएगा लोकसभा में। दोनों फाइनेंशियल बिल वन और मनी बिल, ये दोनों में सिमिलरिटी होती है, लेकिन कुछ अलग भी डिफरेंस भी हो जाते हैं जी। क्या क्या डिफरेंस होते हैं देखो जी, ये क्या और बाकी की कंडीशन में ऑल इन अदर ऑल रेस्पेक्ट में फाइनेंशियल बिल टाइप वन है, वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे ऑर्डिनरी बिल पास होता है, साधारण बिल, साधारण विधेयक जैसे पास होता है जी, ऐसे ही। इसमें क्या होता है, जो राज्यसभा होती है मनी बिल को तो रिजेक्ट नहीं कर सकती, ना ही कुछ में अमेंडमेंट कर सकती, बस क्या जी सिफारिश कर सकती है, लेकिन इसमें क्या है जी रिजेक्ट भी कर सकती है फाइनेंशियल टाइप बिल को और अमेंड भी कर सकती है, लेकिन तब नहीं कर सकती एक्सेप्ट दैट एन अमेंडमेंट अदर देन फॉर रिडक्शन और अबोल्यूशन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी मूव्ड इन आइदर हाउस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजिडेंट। मतलब कि जैसे मान लो जी कोई अबोल्यूशन ऑफ टैक्स के रिगार्डिंग हो या रिडक्शन ऑफ टैक्स के रिगार्डिंग हो, तब उसमें क्या है कि प्रेजिडेंट की क्या है उसमें कंसिडरेशन स्टेज पे क्या है वो करेगा जी। जैसे देखो जी प्रेजिडेंट की जो रिकमेंडेशन है दो स्टेज पे चाहिए, एक तो इंट्रोड्यूस करने पे, जैसे मान लो कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए, दूसरा एक हाउस से दूसरे हाउस में कंसीडर करने के लिए भेज रहे हैं तो भी प्रेसिडेंट अपनी रिकमेंडेशन देंगे कंसीडर करने के लिए, पहले तो प्रेसिडेंट ने अपनी कंसेंट दी, सहमति दी कि हाँ इंट्रोड्यूस कर लो, उसके बाद क्या है फिर प्रेसिडेंट कहेंगे कि हाँ अभी इसे कंसीडर करो, इसे वोट करो, डिस्कस करो, तो दो कंसेंट होती हैं। तो इसमें क्या जी जो फाइनेंशियल टाइप बिल वन है इसमें रिकमेंडेशन पे तो ली जाती है, मतलब इंट्रोडक्शन के टाइम पे रिकमेंडेशन जरूरी है प्रेसिडेंट की, लेकिन इस पे कंसीडरेशन स्टेज पे जरूरी नहीं है। जैसे मान लो बिल भेजा इंट्रोड्यूस करने के लिए तो प्रेसिडेंट की अनुमति ली, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जब वोट करानी है, डिस्कशन कराना है तो प्रेसिडेंट की असेंट है जो जरूरी नहीं है, तो ये बस याद रखना आपको। इसमें क्या जी कोई भी एग्रीमेंट होगा मान लो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में तो जॉइंट सिटिंग हो सकती है, जैसे ऑर्डिनरी बिल में क्या है दोनों के बीच में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो उसमें क्या है जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस फाइनेंशियल बिल टाइप वन में भी है जी, अगर दोनों के बीच में सहमति नहीं है तो जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे, कौन प्रेजिडेंट बुलाएंगे दोनों हाउस की जॉइंट सिटिंग, फिर उसमें मैटर सॉल्व होगा और जॉइंट सिटिंग में वो बिल पास किया जाएगा फाइनेंशियल बिल टाइप वन, और इस जॉइंट सिटिंग में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है जी, सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, किसी के भी रिगार्डिंग जॉइंट सिटिंग हो सिंपल मेजोरिटी चाहिएगी हमेशा, ये याद रखना है। तो फिर बिल को प्रेजिडेंट के पास भेजा जाता है फाइनेंशियल टाइप बिल को, फिर प्रेजिडेंट के पास ही ऑप्शन होते हैं, कैन आइदर गिव हिज असेंट, अपनी असेंट सहमति दे सकता है बिल को, या विदहोल्ड कर सकता है बिल को। ये कौन सी पावर है जी, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है जी, ये वीटो पावर बोलते हैं ना, वीटो पावर प्रेसिडेंट की, या तो वो असेंट दे दे या विदहोल्ड कर ले, अपने पास रख ले बिल को, या फिर रिटर्न कर भी कर सकता है जी बिल को, जैसे ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न कर सकता है ना रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन रिटर्न कर दिया और फिर दोबारा भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा जी, फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। अब पढ़ते हैं जी फाइनेंशियल बिल टाइप टू, इसमें प्रोविजन कौन सी होती है जी एक्सपेंडिचर की, जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से निकालते हैं हम, इसमें आर्टिकल 10 की भी, 110 की भी कुछ प्रोविजन हो सकती है जी, लेकिन इसमें क्या है एक्सक्लूसिवली नहीं होता कुछ, जैसे ही जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर निकालते हैं वो प्रोविजन हो सकती हैं, बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर मेंशनड इन आर्टिकल 110। मतलब कि जैसे फाइनेंशियल टाइप वन था उसमें क्या था 110 की प्रोविजन भी हो सकती थी और कुछ और भी प्रोविजन बोरिंग क्लाउज वगैरह से, लेकिन टाइप टू में क्या है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर निकालने की कुछ प्रोविजन हो सकती हैं, लेकिन 110 में जो प्रोविजन है वो नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से क्या है इसको ऑर्डिनरी बिल माना जाता है फाइनेंशियल बिल टाइप टू को, ऑर्डिनरी बिल इन ऑल रेस्पेक्ट, लेकिन क्या है जी इट इज़ गवर्न बाई द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विच इज एप्लीकेबल टू एन ऑर्डिनरी बिल। जो ऑर्डिनरी बिल के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर चाहिए वो क्या है इसके लिए फॉलो होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक स्पेशल फीचर होता है, ओनली स्पेशल फीचर क्या कि ये बिल है जो इट कैन नॉट बी पास्ड बाई आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अनलेस द प्रेजिडेंट हैज़ रिकमेंडेड टू दैट हाउस ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द बिल। देखो जी मैंने बताया था अभी कि प्रेसिडेंट की असेंट दो स्टेज पे चाहिए, एक तो इंट्रोडक्शन करने के लिए और दूसरा कंसीडरेशन करने के लिए, कि एक हाउस को बोलना है कि भाई आप इसे वोट करो और कंसीडर करो, चर्चा करो, डिस्कस, दूसरा हाउस पे भेजा जाएगा जब ये प्रेसिडेंट कहेंगे अनुमति देंगे जी। लेकिन इस बिल में क्या है इंट्रोडक्शन के टाइप में तो प्रेसिडेंट की असेंट नहीं चाहिए, समझ गए, जब इंट्रोडक्शन करना हो, लेकिन कंसीडरेशन के स्टेज पे बिल की अगर मान लो कंसीडर करना है तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, कि जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेंगे सिफारिश दूसरे हाउस में नहीं भेजा जाएगा कंसीडर करने के लिए, वोटिंग करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की बिना सिफारिश के ये इंट्रोड्यूस तो किया जा सकता है, लेकिन कंसीडरेशन स्टेज पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, ये बात आप समझ गए हो ना अच्छे से,
कि इंट्रोडक्शन जब पेश करना है बिल तब नहीं चाहिए, फाइनेंशियल बिल टाइप टू में प्रेसिडेंट की कंसेंट सहमति, लेकिन कंसीडर स्टेज पे चाहिए फाइनेंशियल टाइप बिल में टू में। ये फाइनेंशियल बिल टाइप वन है उसका बिल्कुल उल्टा है, वहाँ पे क्या था इंट्रोडक्शन के लिए चाहिए लेकिन कंसीडर स्टेज पर नहीं चाहिए, इसमें है जी इंट्रोडक्शन के लिए नहीं चाहिए कंसीडर स्टेज पर चाहिए। और इसे क्या है जी जो लोकसभा का या राज्यसभा कोई भी इसे आइदर रिजेक्ट भी कर सकते हैं अमेंड कर सकते हैं, जैसे मनी बिल होता है जी मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते ना, नहीं अप्रोप्रिएशन बिल को रिजेक्ट कर सकती राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा के पास पावर है लोकसभा के पास भी, इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं कोई अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस रहा जी डिसएग्रीमेंट रहा असहमति रही दोनों के बीच में दोनों हाउस के में, तो फिर यहाँ भी प्रेजिडेंट क्या है कैन समन ज्वाइंट स्टिंग बुला सकते हैं दोनों हाउस की, तो वहाँ पर रिजोल्व किया जाएगा ये डेडलॉक, जो भी परेशानी जी यहाँ पर सॉल्व की जाएगी हल किया जाएगा। और फिर यहाँ पे भी जब जॉइंट स्टिंग होगी मान लो सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, तो फिर इसके बाद प्रेसिडेंट के पास बिल भेजा जाता है अगर यहाँ पे जॉइंट स्टिंग में पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से, तो फिर प्रेसिडेंट भेजते हैं जी। तो प्रेसिडेंट क्या है जी प्रेसिडेंट के पास फिर वीटो पावर होती है कौन कौन सी, कैन आइदर गिव हिज असेंट अपनी असेंट सहमति दे सकता है साइन कर देगा लो जी पास हो गया, या फिर विदहोल्ड कर सकता है जी विदहोल्ड कर सकता है जी, या फिर रिटर्न कर सकता है। देखो जी प्रेसिडेंट ना रिटर्न नहीं कर सकता मनी बिल को और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को, लेकिन फाइनेंशियल बिल टाइप वन टू और ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न कर सकता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये कई बार मनी बिल पढ़ा था जी तब भी पढ़ी थी हमने, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल हो या मनी बिल उसको रिटर्न नहीं कर सकता, समझ गए ये पावर नहीं है। तो ये जो फाइनेंशियल बिल टाइप वन और टू को रिटर्न भी कर सकता है मतलब वापस भेज सकता है हाउस के पास, तो हाउस के पास भेज दिया जी लोकसभा या राज्यसभा के पास, फिर दोबारा ये रिकंसीडर करेंगे लोकसभा राज्यसभा अगर पास कराना है तो फिर दोबारा भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, तो दोबारा फिर रिटर्न नहीं कर सकते जी, फिर प्रेसिडेंट कंपलसरी जी वो फिर साइन करेंगे ही करेंगे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मनी बिल का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं जी, इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है जी, आप करंट विद जीएस लिखा है वहाँ पे क्लिक करो, पॉलिटी की प्लेलिस्ट आ जाएगी, प्लेलिस्ट में पॉलिटी में जाओ वहाँ पे मनी बिल का लेक्चर मिल जाएगा, पूरा डिटेल में बताया जी इसके बारे में, कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, पीसीएस के एग्जाम में सीएपीएफ ईपीएफओ आईबी सब में पूछा जाता है आपका, एसएससी वगैरह में भी पूछा जाता है। तो बिल को मनी बिल तब कहते हैं जी जब ओनली प्रोविजन हो बोरोइंग की कहाँ से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की कहाँ से, रिसिप्ट ले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और ये आर्टिकल 1110 में जो प्रोविजन है उनमें से कुछ भी लिखा है वो ही मनी बिल समझा जाता है, ये आर्टिकल 1110 में दिया हो मनी बिल के रिगार्डिंग, तो इसमें प्रोविजन ओनली वही होती हैं जो मनी बिल में, केवल यही प्रोविजन होती हैं जो 1110 में होती हैं, तो उसको मनी बिल समझा जाता है। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, इतनी देर से इसकी बात कर रहे हैं हम, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है जी आर्टिकल 266 क्लाउज 1 में दिया हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 266 क्लाउज 2 में दिया हो कंटिनजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये तो हो गया जी क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और एक है जी कंटिनजेंसी फंड ऑफ इंडिया CONTINGNCY कंटिनजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या जी ये आर्टिकल 266 क्लाउज 2 में दिया हुआ, एक होता है जी पब्लिक अकाउंट, देखो जी कंटिनजेंसी फंड ऑफ, ये कंटिनजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, पहले इसको समझो, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इसके कहने पे कभी भी इसमें से पैसे निकाल सकते हैं, इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए होते हैं जी 500 करोड़ रुपए, तो इसमें से मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के मतलब पार्लियामेंट की सहमति नहीं चाहिए, जैसे मान लो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकालना है कुछ पैसा तो पार्लियामेंट की सहमति चाहिए तभी निकाल सकते हैं, लेकिन कंटिनजेंसी फंड इसलिए बनाया गया कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और पार्लियामेंट मान लो सेशन में ना हो और पार्लियामेंट मान लो किसी से कोई ओपिनियन डिफरेंस हो ना दे सहमति, तो क्या है कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए आपातकालीन आ जाए मान लो अर्थक्वेक आ जाए या साइक्लोन आ जाए चक्रवात कोई नुकसान हो जाए उसको भरपाई करने के लिए इस फंड से कंटिनजेंसी फंड ऑफ इंडिया से बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के पैसा निकाला जा सकता है, प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं किसकी एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, सारा काम इसी के एडवाइस पे होता है जी प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का तो सिर्फ नाम चलता है, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस करते हैं इसकी एडवाइस पे काम किया जाता है सब प्रेसिडेंट का। तो क्या जी अब जब कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से फंड निकालना हो तो पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, यानी कि कंटिनजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकालना हो तो पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, लेकिन सब्जेक्ट टू वेर अप्रूवल बाय पार्लियामेंट ऐसा लिखा हुआ है किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने निकाल तो लिया बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के लेकिन बाद में पार्लियामेंट से वो अप्रूव करवाना पड़ेगा, बाद में पास भी करवाना पड़ेगा, आप पहले निकाल सकते हो लेकिन बाद में करवाना पड़ेगा, जैसे आपने हमने पढ़ा था इमरजेंसी है ना जो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 उसमें क्या प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा तो देगा लेकिन विद इन टू मंथ क्या है पार्लियामेंट से वो लोकसभा राज्यसभा से पास कराना पड़ता है, ऐसी प्रोविजन कुछ इसमें है कंटिनजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, लेकिन जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है ये आर्टिकल पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 267 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें क्या होता है कि इसमें देखो पार्लियामेंट की बिना सहमति के फंड निकाल सकता है गवर्नमेंट, जैसे क्या है जी गवर्नमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर हेडेड
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, ये क्या जी कैबिनेट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जी इसमें से फंड निकाल सकते हैं, इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए किसी भी टाइम में, ना तो बाद में चाहिए ना पहले, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से लिख सकते हैं विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं जी, ये आर्टिकल 260 क्लाउज 1 में दिया हुआ है। इससे मान लो कोई भी रेवेन्यू फंड निकालना है, चाहे कुछ भी, पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। और इसमें फंड कहाँ से आता है जी, पैसा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कमाई होती है ना वो इसमें आता है, जैसे टैक्स से होती हो, इनकम टैक्स लेते हैं ना, जिसकी इनकम टैक्स लगता है लोगों पे, या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है, या और नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं जी। कंपनी मान लो कोई प्राइवेट प्लेयर को बेच दीजिए, गवर्नमेंट कंपनी जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी है जी बेच दी जैसे, तो उससे जो पैसा आता है इसमें रख देते हैं। या फिर ऑल लोन्स रेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लोन लेती है जी, या ट्रेजरी बिल के जरिए जो पैसा आता है वो सारा इसमें आता है जी। लेकिन जो एक्सटर्नल डेट होता है ना, बाहर से उधार लेती है, वो नहीं आता इसमें कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में, और बाकी सब आता है जिसमें, ये याद रखना। एक्सटर्नल डेट ये जैसे मतलब कि सॉरी जी, जो इंटरनल डेट मतलब बात ये है जी, जितना भी लोन रेज करती है चाहे इंटरनल डेट से चाहे एक्सटर्नल डेट से, सारा आता है इसमें। ये एक्सेप्ट यहाँ लिखा हुआ जी, एक्सेप्ट कंडीशन वो मिस्टेक हो गई थी। तो मतलब जो भी लोन लेती है ना, कर्ज लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे इंडिया के अंदर से ले चाहे इंडिया के बाहर से, बाहर देश से ले, इंडिया के अंदर से कैसे लेती है, ट्रेजरी बिल जारी करती है। ट्रेजरी बिल के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, या पब्लिक नोटिफिकेशन निकाल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लोन्स लेने के लिए, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से ले, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले, एक्सटर्नल डेट, ये सब क्या है, कहाँ रखा जाता है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है। या फिर ऑल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड फ्रॉम द फंड एक्सेप्शनल आइटम विच आर मेड फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। जितने भी मान लो जी खर्चे होते हैं ना कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, सारे खर्चे आते हैं सिवाय उन खर्चों के जो कंसेंट कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से निकले निकालते हैं जो पैसा, उसको छोड़ के सारे एक्सपेंडिचर कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से होता है गवर्नमेंट का, समझ गए। लेकिन नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द फंड विदाउट अथोराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है तो पहले आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, जैसे अप्रोप्रिएशन बिल आया जी, फाइनेंशियल बिल आया, ये अप्रूव कराने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप ले सकते हो। या फिर कोई मनी बिल लेके आए आप, उसके जरिए पैसा निकाल सकते हो। अब जो ये फंड का ऑडिट कौन करता है जी, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है इसका ऑडिट करता है जी। ऑडिट का मतलब है जी एक तरह से देखभाल, जो पैसा खर्च हुआ है जिस पर्पज के लिए गवर्नमेंट ने लिया है उस पर्पज के लिए खर्च हो रहा है क्या, और कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, और उसकी क्या आउटपुट आई, सारी मॉनिटरिंग कौन करता है, कैग करते हैं जी। कैग, कैग के बारे में पढ़ा होगा जी आपने लक्ष्मीकांत में, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जी, ये सारी ऑडिट करते हैं इस फंड का और रिपोर्ट करते हैं जी टू द रिलेवेंट लेजिस्लेचर ऑन द मैनेजमेंट। अब बजट के स्टेज क्या होते हैं जी, जब बजट पेश होता है पार्लियामेंट में, देखो जी पहले तो प्रेजेंट होता है, बजट को पेश किया जाता है, फिर जनरल डिस्कशन होता है कुछ दिन के बाद, कुछ दिन बाद इस पर जितनी भी डिपार्टमेंटल कमेटी होती है वो स्क्रूटनी करती है। स्क्रूटनी का मतलब जी निरीक्षण करती है, निरीक्षण देखभाल, जितनी भी मान लो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, वो सारी देखेंगी, हाँ इतना फंड ले जा रहा है, ये काम में आएगा, किस किस जगह पे खर्च होगा, ये सारी ये डिस्कस करती हैं। उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स आता है जी, ये सिर्फ लोकसभा में वोटिंग हो सकती है, राज्यसभा में वोटिंग नहीं हो सकती। सारी मिनिस्ट्री अपनी अपनी बता दी है इतना पैसा मुझे चाहिए, इतना पैसा मुझे चाहिए, ये फिर ये वोटिंग होती है जी, किस पे, लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती। फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है जी, इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद फाइनेंशियल बिल पास होता है, इसके बाद जब फाइनेंशियल बिल पास हो जाता है, समझ लेते हैं आज इस साल का बजट पास हो गया, तो ये सारा प्रोसेस होता है जी इसमें। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी।